क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है यह कोई सियासी मसला नहीं है, यह सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है। मैं डेवलपमेंट के बाद जो लोला पीछे रहा है 40 साल से नून गुड़ तो तिल तलाव है, मैं उस तिल तलाव और नून गुड़ से लोगों को बाहर निकालना चाहता हूँ। मेरा बड़ा मसला है नौजवान का रोजगार, मेरा बड़ा मसला है कि यहाँ के लोगों को बिजली मिले, मेरा बड़ा मसला है यहाँ का अस्पताल सुविधा सामने आ जाए और लोगों को श्रीनगर नहीं जाना पड़े। यहाँ जब होती है डिलीवरी केस होता है वो रास्ते में बेचारी दम तोड़ देती है क्योंकि उसको स्पीड ब्रेकर से गुजरना पड़ता है, उसके लिए यहाँ कोई मैटरनिटी का पूरा सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर आपने जो लोगों को अभी सर जो वादे दिए आपने अपने जो इस वक्त आपने आज तकरीर की और वादे दिए लोगों को, सर किस हद तक आप ये वादे लोगों को पूरा करें? हमारे पास 6 साल है इंशाल्लाह ताला, इन 6 सालों में तमाम जो हमारे मैनिफेस्टो में वादे आए हैं मरहलावार जो अच्छे जरूरी वादे हैं वो हम पूरा करने जा रहे हैं, इसे 1-2 साल में करने जा रहे हैं। और मत पूछ सर, मेरा सियासी करियर जो है मैंने आज तक इसीलिए स्ट्रगल कर दी कि मेरे लोगों की भलाई, मैंने पार्टियां इसलिए बनाई खुद बनाया किंग मेकर बना, मुझे किंग बनने नहीं दिया गया, मुझे साजिश का शिकार किया गया। मैंने यहाँ लड़ाई जो थी पार्टियों में मैंने खत्म करके जैसे कम ज्वाइन किया था इस वादे से कि उन्हें मेरे साथ वादा किया था कि लोगों के लिए हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, और मेरे साथ ये भी कुरान पाक किया गया था कि MLA के लिए कैसल उनको मदद करो और DDC BDC MLC चेयरमैन ये कुमारी साहब आपको सरकारी सतह पर दे दीजिए। कल जब मैंडेट की बारी आ गई तो उन्हें अपना छोटा चौथा बेटा उठाया और खानदानी राज को तकमीत पहुंचाई। किसी पॉलिटिशियन को सरकार होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए जो काम कर सके, अपोजिशन में कोई काम कर नहीं पा रहा है। मैं मेरी जिद्दोजहद है कि मुझे एक मौका मिले, मुझे गवर्नमेंट अथॉराइज का पोस्ट मिले जो मैं लोगों की वो लोगों के वोट से एक ऐसा हुक्मरान बनूं कि जैसे मैं लोगों के घर जाकर उनकी 10,000 वोट दे दिए। मुझे चोरी करके रिक करके हराया गया, ये लोगों को सबको पता है, सब लोगों को जो लोलाब के लोग आपके सामने इर्द गिर्द बैठे और आदि जनाब कर गए उनको पता है कि लोलाब के लोग चाहते क्या और वानी साहब के साथ हमारी हमारे सियासी ताल्लुकात क्या। आपके सामने गुपकार का कैंडिडेट गुपकार अलायंस नहीं है, ये खानदानी अलायंस है, इनके बेटों को एकदम मुंतकिल कर ये सिक्योरिटी बचा। आया आया।